गोवन वार्ता लाइव चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियो चे नोटिफिकेशन मिळवा। गोव्यातील प्रवासी सुविधा वाढवण्यासाठी डिसेंबर 2022 पर्यंत विमानतळ विस्तारीकरण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे अशी माहिती दाबोळी विमानतळाचे संचालक गगन मलिक यांनी दिली आहे। एयरपोर्ट एक्सपेंशन अगर आप अभी देखेंगे तो वी हैव इरेक्टेड द टावर क्रेन। सो बेसिकली इस बार मानसून बहुत लंबा चला है, मानसून अभी भी दो दिन पहले भी बारिश होती रही है, बट उसके बावजूद भी हम जो काम कर सकते थे हमने किया है। हम वी हैव स्टार्टेड द कास्टिंग द फाउंडेशन ऑल्सो। तो हमारा टारगेट है कि हम बाई डिसंबर 22 इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को पूरा कर लें, सो दैट हम बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएँ अपने पैसेंजर्स के लिए, एरिया हमारे पास बढ़ जाए। तो एफर्ट उस दिशा में हमारा लगा हुआ है। मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमारा उसमें करीब 4-5 महीने हमारे वेस्ट हो गए, क्योंकि इस बार बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो चेंजेस आ रहे हैं, आप देखिए बाहर की तरफ अगर आप देखते हैं तो वी हैव डन अ ब्यूटिफिकेशन बाय डिपिक्टिंग इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ गोवा विद विसाजा टाइल्स एंड ऑल दैट, और हमने हॉर्टिकल्चर को भी उस एरिया में इंट्रोड्यूस किया है। तो चीजें चल रही हैं, प्रयास जारी हैं इस एयरपोर्ट को और बेहतर से बेहतर करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। एनी इंटरनल चेंजेस दैट आर गोइंग टू बी टेकन प्लेस फॉर एनहांसमेंट ऑफ पैसेंजर्स? इंटरनल चेंजेस में तो एज यू नो वी हैव रेनोवेटेड ऑल द टॉयलेट्स व्हिच वी हैव डन, एंड वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स इज दैट के वंस दिस एक्सपेंशन टेक्स प्लेस देयर विल बी अ सी चेंज इन द एंटायर सेटअप ऑफ इंटरनल सेटअप ऑफ द टर्मिनल बिल्डिंग। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, उसके लिए हम हमारी पूरी टीम इस काम पे लगी हुई है, सो दैट हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटी अपने गेस्ट को दे सकें, जो पैसेंजर्स यहाँ से ट्रेवल करते हैं उनको दे सकें।